दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि GRAMMAR और GRAMMER दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहे आप हमारे इस वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्य करण और आप देख रहे हैं आर्य इंग्लिश पॉइंट। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले देखेंगे हम GRAMMAR, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है GRAMMAR और यहाँ लिख रखा है मैंने GRAMMER। तो पहले बात करते हैं GRAMMAR के बारे में। फ्रेंड्स, GRAMMAR ये ग्रामर होता है, इसका मतलब ये हमारी बुक्स जो हम ग्रामर की बुक पढ़ते हैं वो है। जैसे कि देख सकते हैं, ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स अबाउट लैंग्वेज। जितनी भी लैंग्वेज होती है उनके अलग अलग ग्रामर होते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में इंग्लिश को इम्प्रूव करना, इंग्लिश को क्लियर करके लिखना, इंग्लिश को शुद्ध करके लिखने के लिए हमें ग्रामर की जरूरत पड़ती है। तो जो हम ग्रामर पढ़ते हैं, टेंस, इंग्लिश मॉडल, प्रीपोजिशन, जितने भी वर्ड, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ते हैं ग्रामर में, वो ग्रामर होता है GRAMMAR। आई होप आपको समझ में आएगा कि GRAMMAR ये ग्रामर की बुक है हमारी जो हम पढ़ते हैं, जिसमें टेंस, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, वॉइस नरेशन, जितने भी सारी चीज़ें आती है वो इसी के अंडर में आती है। तो ये हमारा ग्रामर है। ग्रामर होता क्या है? तो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल अबाउट लैंग्वेजेस। जितने भी, मतलब जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज को, भाषा को शुद्ध करके लिखना, क्लियर करके लिखना, वो ग्रामर होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। जैसे मुझे कहना है किसी को, अपनी ग्रामर किताब खोलो, तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूँगा? ओपन योर ग्रामर बुक। जैसे मुझे ग्रामर पसंद है तो आई लाइक ग्रामर। हमारे पास ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, तो वी शुड नो अबाउट ग्रामर। हमें ग्रामर को जानना चाहिए, ग्रामर के बारे में जानना चाहिए। तो ये ग्रामर क्या है? हमारी बुक्स है जिसमें टेंस, वेंस, सब कुछ चीज़ें ये सब आती हैं। अब बात करते हैं GRAMMAR ये क्या है। फ्रेंड्स, ये तो लिखा तो ग्रामर ही है, बट इसमें ई का डिफरेंस है। उसमें ए होता है और इसमें ई होता है। तो अब ध्यान से देखिए, GRAMMAR ये जो वर्ड है ना, ये एक सर नेम है, ये कोई बुक्स नहीं है, ये सर नेम है। किसका? इन इंग्लिश में, इंग्लिश में सर नेम है। मैंने यहाँ लिख रखा है, ग्रामर इज अ प्रॉपर नाउन। ग्रामर, ये जो वर्ड लिखा है मैंने GRAMMER, यह ई होगा, सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा सा, ये ग्रामर जो है ये एक प्रॉपर नाउन है। इट इज नॉट बी यूज्ड इन एनी अदर कॉन्टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट में हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का सरनेम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैंने कुछ नाम्स लिख रखे हैं। ग्रामर, ग्रामर इज ऑल्सो नेम ऑफ स्मॉल कम्युनिटी इन रॉक क्रीक इंडियन यूएसए। मतलब यूएसए में एक जगह का नाम है, उसको हम GRAMMAR लिखते हैं। तो ये किसी का नाम, सरनेम हो सकता है, किसी का जगह नेम हो सकता है, कोई बुक्स नहीं हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ भी लिख रखा है, ग्रामर GRAMMAR जो है इज द नेम ऑफ पर्सन और अ पर्टिकुलर प्लेस इन द USA। ये एक नाम है USA में। हम कुछ आगे चलते हैं, कुछ आगे भी हमें समझ में आएगा। मैं कुछ और आपको सेंटेंस देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिख रखा है, आई एम लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर। एक ग्रामर की बुक्स है, उसमें कुछ रूल है, वो टेंस के भी हो सकते हैं, मॉडल्स के भी, किसी के भी हो सकते हैं, तो मैं उसको सीख रहा हूँ। तो ये एक बुक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे स्केलिंग प्लेस है GRAMMAR, ये सही है, ये सही सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई एम लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर, अभी मैंने बताया कि ये किसी का सरनेम हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है, तो इसमें कोई रूल रेगुलेशन थोड़ी होंगे जो हम सीखेंगे। तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें ई आ गया है। अब जैसे देखिए, मैंने यहाँ लिखा है GRAMMAR, बुक्स वाली ग्रामर है ये। जैसे योर ग्रामर इज बैड, आपका ग्रामर, जो आप ग्रामर पढ़ते हो, जिससे आप टेंस, मॉडल्स, प्रीपोजिशन ये सब पढ़ते हो, वो आपका अच्छा नहीं है। His grammar is good. उसके पास टेंस वेंस का नॉलेज है, उसको ग्रामर आता है, तो उसका ग्रामर अच्छा है। तो GRAMMAR का मतलब क्या होता है? ये बुक होती है ग्रामर जो हम पढ़ते हैं। कुछ और भी सेंटेंस देखते हैं हम। अब जैसे GRAMMER है, जैसे मैंने बोला था, ये किसी का, ये प्रॉपर नाउन होता है, तो ये किसी का नाम हो सकता है, किसी का जगह का नाम हो सकता है। तो जैसे मैं याद रखा है, क्लैसी ग्रामर इज एन अमेरिकन एक्टर। तो ये किसी का नाम है, वो कौन है? वो एक अमेरिकन एक्टर है, तो मैंने यहाँ पर्सन लिख रखा है। द पीपल ऑफ ग्रामर आर वेरी फ्रेंडली।
ये एक जगह का नाम है, प्लेस है। तो यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली है। तो हमने क्या सीखा, जो GREMER होता है ये किसी का सरनेम हो सकता है, और ये है भी सरनेम अमेरिका वगैरह में, यूएसए में, और एक जगह का भी नाम हो सकता है, वो है भी प्लेस है अमेरिका व यूएसए वगैरह में। अब एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है इसके, कि ये जो दोनों वर्ड हैं इसको हम कैपिटल कब लिखेंगे और स्मॉल लेटर में कब लिखेंगे। फ्रेंड्स, जो GREMER होता है, जो बुक वाली ग्रामर होती है, इस वर्ड को आप कैपिटल में भी लिख सकते हो बड़े अक्षर में, या स्मॉल छोटे में भी, दोनों में आप लिख सकते हो। लेकिन जो GREMER, इस वर्ड को आप हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करोगे में लिखोगे या लिखा जाएगा, क्योंकि ये एक वर्ड जो है ना प्रॉपर नाउन होता है। तो फ्रेंड्स, आपको होप ये समझ में आ गया होगा कि ग्रामर GREMER और GREMER दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।